भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि सीएम पुष्कर धामी ने राज्य में देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून लागू कर परीक्षा में बैठने वाले मेहनती युवाओं को सुरक्षा कवच दे दिया है। ये जो नकल विरोधी कानून इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए, ये केवल इसलिए नहीं लाए कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित, इसलिए भी लाए कि जो नकल माफिया इस प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल से एक बड़े वटवृक्ष के रूप में भ्रष्टाचार की खड़े हो चुके थे, उनका भी समूह नष्ट हो। आप देखिए, ये नकल विरोधी कानून पूरे देश में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून है। भविष्य में कोई नकल माफिया युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं करेगा, ऐसा सख्त नकल अध्यादेश कानून माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आए। इसमें अब अगर भविष्य में कोई इस प्रकार का दुस्साहस करेगा तो उसको 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का प्रावधान इस नकल विरोधी कानून में किया गया है। और भी बहुत सारे जो है इसमें प्रावधान है, कोई किसी भी तरह से इस नकल के अभियान में कहीं शामिल होता है, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस वाला हो, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, उसकी संलिप्तता किसी भी प्रकार कहीं भी पाई गई, उसके खिलाफ भी इस कानून में सख्त प्रावधान है। आने वाले समय में इस प्रदेश का युवा बिल्कुल सुनिश्चित होकर अपनी मेहनत के दम पर जो है अपना मुकाम हासिल करे, ऐसी इच्छा पुष्कर सिंह धामी जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। अब कोई भी असामाजिक तत्व नकल कराने का साहस नहीं दिखाएगा। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने को ऑपरेशन क्लीन चला रही है। वहां भाजपा जिलाध्यक्ष गिरी जोशी, जिला महामंत्री राकेश देवलाल के साथ ही वीरेंद्र शाह मौजूद रहे। शिव महोत्सव मदकोट का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया है। स्कूली बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुति से दर्शकों का मनोरंजन किया। रात में पुष्कर सिंह मेहर की टीम ने शानदार कार्यक्रमों से समा बांध दिया। विधायक हरीश दामी ने महोत्सव हेतु 5 लाख की धनराशि दी। इस मौके पर SDM दिवेश शाशनी, नरेंद्र रावत, चरण मेहरा, संदीप धामी, गंगा सिंह, बलवंत बोथियाल, रमेश कठायत समेत कई लोग मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत में सुबह की सैर पर निकले। ब्लॉक रोड पर वह नित्यानंद जोशी की चाय की दुकान पर पहुंचे और सूर्य नमस्कार के बाद चाय पी। उन्होंने लोगों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की, साथ ही छोटे बच्चों को आशीर्वाद दिया। धारचूला के सिनिया कोला कलियादार तोक की आनमती देवी पशुओं को चराने के दौरान आग की चपेट में आने से बेहोश हो गई। जब कई देर तक महिला घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने ढूंढ खोज की। बाद में बेहोशी की हालत में मिली महिला को तुरंत CHC धारचूला पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रेंजर सुनील कुमार ने बताया कि अराजक तत्वों ने जंगल में आग लगाई जिससे महिला झुलस गई। और इस आग में एक महिला के झुलसने की अभी सूचना प्राप्त हुई है। हमारी टीम कठिन परिस्थितियों में, आपको जैसे विदित है कि 75 डिग्री का पहाड़ है और उसमें घास है, आग बुझाने का इसमें हमारी टीम बहुत अथक प्रयास कर रही है। वन विभाग की टीम को चट्टान के चलते आग को बुझाने में दिक्कतें हो रही हैं। रेंजर ने वनों में आग लगाने वालों की सूचना देने को कहा है। पिथौरागढ़ जिला बने आज 63 साल हो गए हैं। सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने नगर पालिका के पास रामलीला मैदान में एकत्र होकर केक काटा। जन सरोकार संघर्ष मंच के संरक्षक अशोक पंत ने कहा, आज भी पिथौरागढ़ जिला स्वास्थ्य और की कनेक्टिविटी से दूर है। 63 वर्षों के विकास के लिए देखें तो हम 63 साल पहले के इस जनपद को और आज के जनपद को देखें तो धरती आसमान का अंतर है। बहुत ज़्यादा व्यवस्थापना की जो विकास हुए बहुत ज़्यादा हुए, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पेयजल हो, सब कुछ। मेरा जो मानना है कि आज भी दो मूल समस्याएं हैं, एक तो है हेल्थ को लेकर कि सीमांत जनपद है, स्वास्थ्य को लेकर आज भी यहाँ पर वही रोना है कि आज भी यहाँ पर बेस हॉस्पिटल रन नहीं हो पाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूरा अपूर्ण है। दूसरा, आज के युग में जब ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चाहे कैसी कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे एरियल कनेक्टिविटी हो। जिला अधिकारी रीना जोशी ने केक काट कर जिले के लोगों को बधाइयां दी। वहां संगठन के अध्यक्ष राम सिंह, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष ललित सिंह, शमशेर मेहर, जनार्दन उप्रेती, भगवान रावत, चंद्रशेखर कापड़ी, गिरधर सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे। संचालन विप्लव भट्ट ने किया। देव सिंह मैदान में पिथौरागढ़ का जन्मदिन खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ मनाया।
वहां कांग्रेस नेता महेंद्र लुंठी ने सीमांत के लोगों को शुभकामनाएं दी। 63 साल हमारे जिला से हो गया, सब पे पिथौरागढ़ वालान बहुत बहुत बधाई छे कि यो जिला हमर इसी का उन्नति करते रहो, आगे बढ़ते रहो और सब पे ये जिला का खुश रहो, स्वस्थ रहो, यही शुभकामनाएं देते हुए सब पे लोगों ने बधाई दिन चास। खिलाड़ियों ने सबसे बढ़िया पिथौरगढ़िया के नारे भी लगाए। भाटकोट स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में जिलाधिकारी रीना जोशी के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल और सिटी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। वहां उमा चिलकोटी, हंसा जोशी, ललित मोहन कापड़ी, प्रभारी नगर पालिका ईओ नंदा बल्ला पांडे, रेंजर दिनेश जोशी, कुंडल गिरी, रमेश चंद्र जोशी, कमल कुमार आदि मौजूद रहे। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अब खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।